हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना विश्वास के प्रणाम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रियजन, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। यीशु मसीह ने जो समय से सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, जो परमेश्वर हम सभी को हर एक दिन दिखाता है, रात दिखाता है, सुबह दिखाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्रियां नाश हो, नरक जाएं। इसलिए यीशु मसीह जो है ना, हम सभी को जीवित रखाता है, संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है, अपने पंखियों में छिपा के रखता है। क्योंकि यीशु मसीह हम सभी से बहुत प्रेम करता है। उतना कोई प्रेम मनुष्य नहीं करता है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, उसने दर्द सहा, बहुत भयानक दर्द सहा, उसकी बहुत बेइज्जती की गई। मेरे प्रियजनों, सिर्फ हमारे कारण, इन सारे मानव जात के पाप के कारण, मगर आज मनुष्य फिर भी यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करता है, फिर भी उसको ग्रहण नहीं करते, इनकार कर देते हैं और मूर्तियों में जाते हैं, श्रद्धा सिर झुकाते हैं, पूजा करते हैं और शैतान के आगे सिर झुकाते हैं। कोई सच्चे परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई यीशु मसीह को नहीं जानता है, सिर्फ संसार में लिप्त हैं, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, सच्चाई को जानने के बावजूद भी इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं। परंतु यीशु मसीह उन सभी को समय देता है, टाइम देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नाश हो या नरक जाएं। यीशु मसीह नहीं चाहता है। मेरे प्रियजन, ठीक है, याद करो, थोमा भालों से बेदा गया था, पतरस को उल्टा लटकाया गया था, यूहन्ना को तेल में तला गया था। मेरे प्रियजनों, ठीक है, थोमा भारत आया था प्रचार करने, थोमा को भालों से बेदा भारत वालों ने, और पतरस को उल्टा लटकाया गया था, यूहन्ना को मेरे प्रियजनों तेल में तला गया था। इनके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियजन। जो हम सभी से पाप गलती गुना होते हैं तो अपने पापों को पिता के सामने मानेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, अंगीकार करेंगे, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महान है, वो दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सेनाओं की यहोवा है, राजाओं का राजा है, ठीक है। मेरे प्रियजनों, यदि आपके दारू की लत नहीं छूट रही है, चाहे जितनी भी गंभीर घातक खतरनाक बीमारी हो, यदि आप कैंसर में हैं, गिल्टियों में, रसोलियों में, पथरियों में हैं, यदि आप टूट चुके हैं, हर जगह जाकर टूट चुके हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह से सिर्फ आपको बोलना है और यीशु मसीह आपके जीवन में हमारा परमेश्वर वैसा ही कर देगा। बस हम सभी को विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। सिर्फ विश्वास करना है और यीशु मसीह से प्रेम करना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है। यीशु मसीह आपके दुखों को, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी बीमारी को, तंगी को, परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, चाहे जितनी गंभीर घातक खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, वह यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ आदेश देना है, आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जिसने लाजर को जलाया, जिसने याइर की बेटी को जिंदा किया, जिसने लाजर को जिंदा किया कब्र में से। मेरे प्रियजनों, इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि उसको सिर्फ आपके जीवन में आदेश देना है और आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास में खड़े रहना है, शैतान की युक्ति योजनाओं पर नहीं चलना है, क्योंकि शैतान तो भरमाने वाला भेड़िया है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, मिराकल करेगा, ठीक है। इसीलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान है पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे स्वामी यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता। कल किसने देखा, कल कुछ भी हो सकता है मेरे पिता, आपका वचन कहता है एक बार मरना फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होना बहुत जरूरी है मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से वे बिछड़ गए होंगे प्रभु, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया, छुटकारा किया, इस संसार से चुना है,
चुन के अलग किया है, ज्योति में किया, अंधकार को हटा के उजियाला में किया है, रोशनी में किया है मेरे परमेश्वर। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, यश हालेलुया। मेरे पिता हम प्रार्थना करते, खास दौर से विनती करते मेरे पिता उन भाई बहनों के लिए पिता जो मसीह भवन पिता बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो दमा में लज दवाई करा चुके पिता, वे फिर भी नहीं चंगे हो रहे हैं पिता, नहीं आजाद हो पा रहे यीशु मसीह, वे तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं पिता, वे टूट चुके हैं अपने इलाज करवाते करवाते, दवाइयाँ खाते खाते। मेरे स्वामी हम चाहते हैं पिता आज से पिता इनके जीवन में यीशु मसीह आदेश देते हैं पिता, ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं, ये आजाद हो जाएं, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन। परमेश्वर पिता आ, परमेश्वर पिता इनके जीवन में यीशु पापा आप चमत्कार करें, आप मिराकल कीजिए, आप मिराकल करने परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, चिन्ह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, मुर्दों को जलाने वाले परमेश्वर, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, हे याकूब के परमेश्वर आपकी तारीफ करते, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता आपकी महिमा करते, बड़ाई करते। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता यीशु पापा ऐसा अपने वचन ने कहा मेरे पिता, प्रभु आपके वचन के अनुसार आदेश देते पिता, ये मसीह भाई चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ बोल कर अमीन, आजाद हो जाएं, रसीब करो अमीन बोलकर चंगाई, रसीब करो चंगाई बोल कर अमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र मेरे स्वामी। जिस प्रकार से मेरे पिता आप पवित्र हैं यीशु पापा, उसी प्रकार से मेरे स्वामी हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। मेरे पिता आप पवित्र परमेश्वर यीशु पापा, आपका शब्द इतना पवित्र है पिता, जिस स्थान पे पिता आप रहते हैं वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। मेरे पिता जब हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुई है पिता, जानबूझकर या अनजाने मेरे स्वामी आप माफ करे पिता, आप क्षमा करे पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं पिता। हम मानो निर्बल कमजोर हैं, मनुष्य पाप में गिर सकता है, गलतियों में गुनाहों में गिर सकता है, मेरे स्वामी अपने लहू से शुद्ध करे, कृपया क्षमा दान करे सुरजा, हम सभी के पापों को अधर्मों को गुनाहों को क्षमा करे पिता। आप ही के पास क्षमा का अधिकार है, सिर्फ आप ही के पास ये अधिकार है कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को गुनाहों को मिटा दे मेरे स्वामी। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने वाले नहीं है पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता अन्य जातियों से उधार ले रहे पिता, जो गरीब है पिता, इनकी गरीबी को तंगी को ऐश रजा आप दूर करें पिता, इनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे स्वामी, हम चाहते हैं सुरजा इनके हाथ देने वाले हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आप इतने महान परमेश्वर हैं, आप इतने दयालु परमेश्वर पिता, जो आप हम सभी को जिंदा रखते हैं, जीवित रखते हैं, हर एक दिन दिखाते हैं, सूरज की किरण चमकाते हैं, चेहरे पे एक मुस्कान देते हैं पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, वे तमाम इलाज दवाई करा चुकी हैं, रसौलियाँ गिल्टियाँ पथरियाँ अन्य प्रकार की गर्भाशय में दिक्कतें हैं परेशानियाँ, मेरे परमेश्वर पिता आपने छुए पिता, स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा की बीमारियों को दूर कर पिता, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चा पिता इन्हें दीजिए बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पापा जिस प्रकार से आपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को भी बच्चे दीजिए पिता, जिन बहनों को चाहिए पिता, जिन्हें चाहिए पिता आप जानते हैं कि क्या इच्छाएं क्या जरूरतें क्या आवश्यकताएं हैं मेरे पिता आप जानते हैं सुरजा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माओं के बाड़े बंधे हैं, जो दारू की लत में, नशे की लत में, जुआ की लत में, हर प्रकार की पिता बुरी लत में, संगत में यीशु मसीह नहीं छूट रहे, यीशु मसीह के नाम से ये मसीह बहन चंगे हो जाए, आजाद हो जाए पिता, हर एक पिता बुराइयों से आजाद नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मेरे प्रभु प्रार्थना करते जो मसीह बहन रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता भय लगता प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब इन्हें सुख की नींद आने पाए, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी पिता। मुझे आशा है विश्वास से पिता अपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पांव नाम से मांगते सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।